वारिसलीगंज विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े मंटन सिंह के छोटे भाई टंटन सिंह अभी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो उसको लेकर सर का क्या प्रतिक्रिया आता है। सबसे पहले सर आपका स्वागत। आपका भी धन्यवाद। सर वर्तमान में जो बारसिंह विधानसभा में जो विकास हुआ है, जो कार्य हुआ है, इसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? हमें तो कुछ विकास दिखाई नहीं दे रही है, कुछ समझ नहीं आ रही है। विपक्ष में है इसलिए विकास नहीं दिख रहा। विपक्ष और पक्ष की बात नहीं है, देखने की चीज़ है जी। तो सामने देखने की चीज़ है, आप भी देख सकते हैं, आप देख रहे हैं अभी। बारसलीगंज में कहें तो जो है बरसों से जो चीनी मिल बंद था और वहाँ जो है सीमेंट फैक्ट्री जो है ये खुल गया है। चीनी मिल का जगह सीमेंट फैक्ट्री नहीं ले सकते। चीनी मिल से हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा था और सीमेंट फैक्ट्री लगने के बाद क्या होगा भगवान जाने। क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। समय किसानों की बात जहाँ तक आप कर रहे हैं तो किसान को तो ज़्यादा कठिनाई होगी, फसल उपजने में परेशानी होगी, नए जनरेशन को परेशानी होगी। आप सर जी जी आप सर एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कहीं ना कहीं यदि लोगों को जो है अन्य किसी प्रकार की समस्या होती है तो आपको जो है मैदान में आना चाहिए था। यदि लोगों को सीमेंट फैक्ट्री से यदि कोई परेशानी है तो आप या आपके भाई जो मंटन सिंह हैं वो मैदान में क्यों नहीं आए? प्रयासरत हैं। रह गई बात मैदान में क्यों नहीं आए, प्रयासरत हैं और सरकार हमारी नहीं है, हम लोग ना कोई ओहदे पे हैं और जिनकी सरकार है वो सीमेंट फैक्ट्री, आप जैसे बता रहे हैं कि सीमेंट फैक्ट्री, हम भी पेपर के माध्यम से टीवी के माध्यम से मैंने देखा, शिलान्यास भी हो गया है, लेकिन बट ये तो हम बोलेंगे कि अगर चीनी मिल रहती तो वारिसलीगंज की महान जनता को ज़्यादा फायदा था। सीमेंट फैक्ट्री अगर लग जाती है तो मैं तो दो दिन तीन दिन पहले भी हमारी बात हुई थी, एक मैं बताया था कि फर्स्ट प्रायोरिटी हो लोकल व्यक्ति, लोकल युवा, मेरे जितने भाई प्रखंड के काशीचक वारिसलीगंज पकड़ी ब्रामा, फर्स्ट प्रायोरिटी उनको मिले, जॉब उनको मिले। कुछ लोग सर ये सीमेंट फैक्ट्री का विरोध भी कर रहे हैं और उनके समर्थन में कोई भी नेता या कोई भी कार्यकर्ता जो है आगे नहीं आए हैं। नहीं ऐसा नहीं है, वो हैं। चुनाव जब आता है तो सारे लोग तो यही कहते हैं कि हम जो है आपके हर सुख दुख में साथ रहेंगे, लेकिन यदि सीमेंट फैक्ट्री से सचमुच में यदि लोगों को, स्थानीय लोगों को परेशानी है, असुविधा है, तो कहीं ना कहीं आप जो है मैदान में आते, आपके भाई जो है मैदान में आते, लेकिन नहीं आने का सर वजह क्या रहा? नहीं वजह मैं हमारी, हम लोग अगर विरोध में आते, अगर विरोध करेंगे भी तो कुछ नहीं हो पाएगा ना, ये तो आप भी समझ सकते हैं, सरकार उनकी है, विधायक वो हैं, हम लोग तो विपक्ष में हैं। लोगों का उम्मीद तो आप पर होता है क्योंकि चुनाव देखिए आ रहा है, चुनाव जो है चुनावी मैदान में आप लोग उतरेंगे तो लोगों से जो है वोट मांगने के लिए जाएंगे, वहाँ जो है बड़े बड़े आप लोग वादे करेंगे, लेकिन जब लोगों के साथ समस्या रहती है सर तो आपको तो मैदान में आना चाहिए, लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था आपको। नहीं सही बात है, खड़ा रहना चाहिए, खड़ा हैं जी। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, खड़ा हैं, लेकिन वही बताएं कि तो हमारी जितना हमारी पावर है, जितना हमारी औकात है, हम हैं। आगे सर विधानसभा का चुनाव जो है अब नज़दीक है तो क्या लगता है इसको लेकर सर आप लोग क्या तैयार? विधानसभा के लिए तैयारी क्या करना है, विधानसभा के लिए हम लोग हर समय तैयार हैं, जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है, जनता भगवान है, हम लोग तो बस जनता पे हैं। आपके भाई मंटन सिंह से जो है हम अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू लिए थे तो कहीं ना कहीं उनका बयान आया था कि लोगों को कहीं ना कहीं स्थानीय जो निवासी हैं उनको नागनाथ और सांपनाथ दो जो है लोगों से बचकर जो है रहना चाहिए, तो ये नागनाथ और सांपनाथ कौन है ये आप बता सकते? वो आप लोग उस नागनाथ और सांपनाथ ही जो हुए, एक दो गिरोह यहाँ संचालन होते थे एक ज़माने में, 20 साल 25 साल 10 साल 15 साल 20 साल पहले ये सब यहाँ चलता था, दो गिरोह स्थापित थे, ये वारिसलीगंज विधानसभा का परिदृश्य कुछ और था और वो दोनों अभी भी हैं और वो दोनों में साठ गांठ भी है, जनता समझ से पड़े है, जनता समझ नहीं रही है, दोनों में साठ गांठ भी है और दोनों एक ज़माने में एक गिरोह संचालित होता था इस इलाके में, लोक में दहशत था वातावरण, अब ऐसा कुछ है नहीं और वो दोनों जनता सबको जान रही है, जनता वाकिफ है। पिछली बार चुनाव में जो है कुछ वोटों के अंतराल से ही आप जो है ये चुनाव हारे हैं, आखिर वजह क्या समझते हैं आप? वजह जनता का तो कोई वजह, जनता तो हमारे साथ
जनता सर्वोपरि है, जनता बहुत अच्छा मेरे को जरूरत से ज़्यादा सम्मान दिए, और वो कुछ होता है इंटरनल है वो सब राजनीति का अपना एक अध्याय है। बार्सलीगंज में सर देखा जाए तो जाम का भी समस्या रहता है, तो कहीं ना कहीं ये इसको लेकर सर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा? इस पर तो विलम्ब देखना चाहिए। वर्तमान विधायक विगत 20 सालों से एनडीए गवर्नमेंट दोनों 10 साल 10 साल दोनों हैं, इन लोग को देखना चाहिए। जाम की स्थिति तो बहुत कठिन है, बाजार में जाम, अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रक अनियंत्रित चलाते हैं लोग, कभी भी दुर्घटना होती है, कोई मासूम की जान चली जाती है, दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर तो विलम्ब कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर ध्यान देने योग्य बातें होनी चाहिए। देखा जाए सर तो आप जो है महागठबंधन से बिलोंग करते हैं, आपके भाई जो है कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े हैं, और कहीं ना कहीं इस बार जो है ऐसा सुनने में आ रहा है कि यहाँ जो है आरजेडी से भी जो है लोगों को टिकट मिल सकता है, तो सर यदि टिकट नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? टिकट नहीं मिलने का तो जिस तरह मनुष्य को जन्म और मृत्यु, जितना मृत्यु सत्य है उतना टिकट मिलना सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह का सत्य है। ये सब अफवाह है, कुछ लोग दो गिरोह हैं उस ये सब यही सब चुनाव वक्त तक करते रहेंगे, अंत में जब किसी एक को टिकट नहीं मिला उससे साठ गांठ कर लेंगे। जनता मेरी भोली भाली है, वारसलीगंज की जनता को डार्क में रखा जाता है। और ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि टिकट बोल दिया, मनुष्य जन्म लिया है तो मरना भी सत्य है, उसी तरह सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह नवादा जिला कांग्रेस अध्यक्ष को टिकट मिलना भी तय है। यदि आप चुनाव जीतते तो क्या क्या करते हैं? हम चुनाव जीतते तो जनता के साथ रहते, जनता हमारे साथ है, हम जनता के साथ रहते, करने की बात है। चुनाव जीतते तो आप भी देखते, आप भी पूछते। नहीं, जो चुनाव जीते हैं उनमें आपको क्या खामियां नजर आ रही है, और यदि आप चुनाव जीतते तो हटकर जो है क्या कुछ करते? अगर हम खामियां गिनाएंगे तो आप कहेंगे कि विपक्ष के हैं आप इसलिए खामियां गिना रहे हैं। मैं खामियां क्यों गिनाऊं, देखने की चीज है, आप ही देख लीजिए। हॉस्पिटल सर जो है नया, ये अभी बिल्डिंग बना है तो कुछ तो बदलाव हुआ है ना सर? बन गया है, अब देखिए कब शुरुआत होता है, अभी तक जो है उसका स्थिति देख लीजिए आप। ये मानते हैं कि बन गया है, क्योंकि ये देखने का चीज़ देखा हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। ये जो है वहाँ नया सिरे से ये बना है, उसका जो है अभी कुछ दिन पहले जो है हमने ये स्थानीय विधायक से इंटरव्यू भी लिए थे, तो जल्द ही जो है उद्घाटन भी सर जो है वो करने वाले हैं। हमें नहीं जानकारी है, उनका प्लान प्रोग्राम मेरे को जानकारी नहीं है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों जो है साथ में रहकर सर जो है बिहार को आगे ले जा रहे थे, आखिर नीतीश कुमार को ऐसा क्या लगा कि जो है उनसे ये अलग हो गए? वो सब बड़े लोग हैं, बड़े लोग की बात मैं क्या बोलूं, हम बहुत छोटा चीज़ हैं, और ना मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति हूं, ना मैं आज तक बाढ़ का चुनाव भी नहीं लड़ा हूं, मैं अपने बड़े भाई के पीठ पे हूं, बड़ा भाई मेरे साथ हूं, बड़ा भाई सतीश कुमार मंटन सिंह हैं, उनके साथ हम रहते हैं। वो मेरा एक लक्ष्य है कि वारिसलीगंज का सेवा करते रहें, वारिसलीगंज का सेवा करें, बस यही है। आगामी चुनाव में अपने भाई के लिए जो है आप क्या करने वाले हैं? जो किए करते रहेंगे, जनता से मिलेंगे, जनता से आशीर्वाद मांगेंगे, गांव-गांव घूमेंगे, जनता का पैर छुएंगे, परिवार है हमारे, जनता मेरी मालिक है, जनता से मिलूंगा। पिछली बार कहाँ चूक हुई, ये जो है कुछ आभास हुआ? चूक हम ही लोग से कुछ हुई तब तो आज रिजल्ट नहीं हुआ। जनता तो भरपूर प्यार दिया, जनता का समर्थन, मैं प्रणाम करता हूँ जनता को, वारिसलीगंज की महान जनता मुझे बहुत भरपूर समर्थन दिया, उम्मीद से ज़्यादा समर्थन दिया। इस बार चुनाव जीत जाएंगे ये कन्फर्म? ये कन्फर्म तो ऊपर वाले प्रभु अल्लाह, हम कैसे बता सकते हैं, ऊपर वाले का सब कृपा है। प्रयास करेंगे, संघर्ष मेरा जारी है, संघर्ष में कोई कमी नहीं है, सेवा करते रहेंगे, चुनाव अपनी जगह पे है, अपना कर्म करते रहना है, संघर्ष करते रहना है, संघर्ष ही जीवन है। धन्यवाद। तो हमारे साथ देख सकते हैं वारिसलीगंज विधानसभा से चुनाव लड़े कांग्रेस प्रत्याशी मंटन सिंह के छोटे भाई टंटन सिंह हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगामी जो चुनाव होगा उसमें जो है हम अपने भाई के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, घर घर जाएंगे और अपने भाई के लिए जो है वोट मांगेंगे। बाकी वारिसलीगंज विधानसभा में किस प्रकार से विकास हुआ है और कहाँ कहाँ क्या कमियाँ रही है, और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर बताएंगे। सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।